दोस्तों धरना निरंतर चल रहा है और अपनी मांगों को लेकर धरने पे जरूर आइए। बहुत जल्द हम लोगों की मांगे पूरी होने वाली हैं, 2-3 दिन में सारी चीजें आपके पास होने वाली हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए, क्योंकि संख्या दिखाना बहुत जरूरी है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए और इस वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आगे हम आपको दिखाते हैं। धन्यवाद साथियों। आश्वासन नहीं, शासनादेश चाहिए। आश्वासन नहीं, शासनादेश चाहिए। आश्वासन नहीं, शासनादेश चाहिए। आवाज लगाओ जोरों से, समित बचाओ जोरों से। आवाज लगाओ जोरों से, समित बचाओ जोरों से। भ्रष्ट अधिकारियों होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इसका मतलब हम अभी जवान हैं। भला बनाए रखो या बुरा बनाए रहो, हमारे साथ एक कोई सिलसिला बनाए रहो। पास रहने से बढ़ती है दूरियां अक्सर, रहो करीब मगर दूरियां बनाए रहो। साथियों, चौहान भैया बहुत दुखी हैं, क्योंकि ये धरना के साथ साथ उनको भाभी जी का बैठ याद आ रहा है। जब फारिक होते हैं तो हमारे साथ वार्तालाप होती है, तो बताते भी हैं कि भैया हमारी बीबी ने बैठ में रबड़ बांध के रखा है। तो हम कहे क्यों, तो कहे इंतजार हमारा है। तो तकलीफ में रहना चाहिए, क्योंकि बेलगाम घोड़ा बेकाबू हो जाता है। खैर भाई, खींचने का तो मौका कोई छोड़ते नहीं, चाहे हम हो, चाहे आदित्य जी हो मंच पे, चाहे जो हो, जिसको पा गए रस्सा कसी शुरू कर देते हैं। अच्छी बात है, हमारे बड़े भाई बहुत अच्छे व्यक्तित्व तो हैं। घर पे घटना दुर्घटना जो भी हो, लेकिन हमारे साथ जब तक रहेंगे अमन और चैन से, क्योंकि रक्षक हमारे साथ में। और कोशिश करेंगे कि भाई जिस दिन जाना हमको लेके चलना, आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, चाहे वो भाभी जी क्यों ना हो। साथियों, वक्त का अभाव है, हंसी मजाक तो चलता रहेगा। हमारा आज 86 दिनों का धरना पूर्ण हो चुका है आपके सहयोग से। उम्मीद पूरी, जल्द से जल्द शासनादेश निर्गत हो और हमारी समस्याओं का निराकरण तत्काल प्रभाव से हो, तो हो सकता है चौहान भैया भी बच जाएं। इसलिए इनकी चिंता थोड़ा ज्यादा है। साथियों, हमारा संघर्ष अनवरत चल रहा है। हम लोग जब शुरू में धरना का जब प्रोग्राम बना कि अब ऐसे नहीं मिलेगा बिना धरना के, कोशिशें बहुत हो चुकी हैं, लेकिन संगठित रूप से धरना ये लगभग 1 साल के कठोर परिश्रम का नतीजा है कि हम सब भाई बहन एक साथ मंच पर और मंच के सामने एकत्रित हुए, हमको मौका मिला। साथियों, वो दिन दूर नहीं कि हमारा संघर्ष खत्म होने वाला है, क्योंकि बहुत जल्द हमारे शासनादेश जरूर निर्गत होंगे। हम लोग उस दिन पहली होली मना लेंगे यहीं पे, उसके बाद दूसरी होगी। साथियों, समय का अभाव है, टाइम अपनी पुरानी गति से बढ़ रहा है, तो आदित्य भाई को भी मौका मिल जाए, वरना कहीं हम ही लोग बोला किए, हो सकता है इनको भी बूढ़ा कहने का अवसर मिल जाए। धन्यवाद भाई, मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद।
चलेगी और